एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 4 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेन अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, वर्ड्स को ध्यान में रखना है आपको। आपके पास फिगर में बना के समझाऊँ तो देखो बेटा, आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, आपके पास एक कोड भी दे रखा है। सपोज कर ये हमारा कोड है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, इससे इसको मैच करोगे तो आपसे क्या बोल रहा है। पहली चीज़ तो आपको सेगमेंट निकालनी है। सेगमेंट आपका ये है माइनर सेगमेंट, ये इसको मैं वाइट वाइट कर दे रहा हूँ, ये मेरा क्या हो गया बेटा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ऊपर वाला जो ग्रीनिश पार्ट आपको दिख रहा है व्हाइट वाले को छोड़कर, वो आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, वो आपको क्या, आपका क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, सो गिवन क्या क्या हमारे पास है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखेंगे क्या बोल रखा है, रेडियस, जो रेडियस हमारे पास है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है, एंड जो थीटा हमें दे रखा है, राइट एंगल बोल रखा है, थीटा कितना बनाता है, राइट एंगल बनाता है 90 डिग्री। सो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनर सेगमेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनर सेगमेंट का, क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब समझा रखा है। तो अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए यहाँ पर। थीटा की वैल्यू 90 है अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है 10 स्क्वायर, 1/2 यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 90। ठीक है, सो कैंसिल 0.09436, तो ये 100 है, 10 इंटू 10 100 ऊपर आ जाएगा, 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इसको डिवाइड करना है 4 से, 2 2 2 1 0, ये ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 157/2। इधर भी तो सॉल्व करो, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 100 इंटू 1/2। ठीक है, सो ये आ गया 100/2, दोनों के अपॉन में 2 2 2 LCM, तो ये आ जाएगा 157 माइनस के 100, तो ये आ जाएगा 57/2, डिवाइड कर दोगे तो यह जगह 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले पार्ट का आंसर क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालने के लिए बोला गया, मेजर सेक्टर बोला गया। क्या बोला गया, मेजर सेक्टर। अब इसी में बच्चे मात खा जाते थोड़ा बहुत। देखो, मेजर सेक्टर जब बोला गया है ना, तो मेजर सेक्टर कौन कौन सा है आपको, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये आपका मेजर सेक्टर है, ये वाला पोर्शन जिसको मैं येलो येलो कर रहा हूँ, ये है आपका मेजर सेक्टर। ठीक है ना, ये आप, ये पोर्शन आपका मेजर सेक्टर है। अगर आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको मेजर सेक्टर मिल पाएगा। ओके बच्चों, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सो आ जाते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ निकालना है, तो वही क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपका होता है थीटा, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल है ना, पहले पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, और फिर आएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं। अगर ऊपर से देखोगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर LCM आ जाएगा 360, 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट अप करो, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है,
रेडियस हमारे पास 10 है, ऊपर स्क्वायर 360, थीटा हमारे पास 90 है, अपॉन में है 360, ठीक है। 3.14 इंटू 100 और यह आ जाएगा 270 अपॉन में 360, कैंसिल, ठीक है। 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 36, 3/4 यह आ जाएगा 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 314 इंटू 3 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो कैसे क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे 27, 28, 78.5 आ जाएगा। 78.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आपका आंसर दे देगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।